गुरुवार को यूपी की 3 सीटों के नतीजे आए। मैनपुरी में डिंपल ने सुबह से ही बढ़त बनाई जो शाम तक बढ़ी रही। खतौली में भी मदन भैया एक लीड लगातार लिए रहे, लेकिन रामपुर में ऐसा नहीं हुआ। रामपुर में आकाश आसिम के बीच मजेदार था मुकाबला। रामपुर में गुरुवार सुबह काउंटिंग शुरू हुई तो सपा और भाजपा में करीबी मुकाबला दिखा। 11 बजे तक आसिम रजा बढ़त बनाने लगे। बढ़त बढ़ी और 5000 से ऊपर चली गई। बढ़त से सपा के लोगों में संतोष दिखा। बढ़त करीब 7000 की हुई। समाजवादी पार्टी ने 12:20 पर ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, रामपुर में प्रशासन और पुलिस के अत्याचार के बावजूद समाजवादी पार्टी आगे। एक घंटा जिसमें सब बदल गया। काउंटिंग में मोड़ आया दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच। इलेक्शन कमीशन की साइट पर दोपहर 1 बजे आसिम रजा 7000 की बढ़त भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ बनाए हुए थे। 1:10 पर सपा का ट्वीट फिर से आया। ट्वीट में लिखा गया, रामपुर में प्रशासन की तिगड़मबाजी फिर शुरू। सूचना मिल रही है कि मतगणना स्थल पर मीडिया को जानकारी देना बंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करे। 1 बजे से 2 बजे तक के ही वो 60 मिनट थे जब भाजपा ने बढ़त बनाई। 2 बजे के आसपास भाजपा के आकाश सक्सेना बढ़त पर आ गए और सपाइयों के चेहरे उतरने लगे। बीजेपी ने रफ्तार पकड़ी तो जीत पर ही जाकर रुकी। इसके बाद तेजी से भाजपा की बढ़त बढ़ी और 4 बजे के करीब आकाश को 34,000 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया गया।